फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन एंड फार्म। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम बनाएंगे अनारसी, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी। रो बस चावल और शक्कर से बना, दो ही चीज़ों से बनाए जाते हैं और ये एक ट्रेडिशनल डिश है और हर फेस्टिवल पर भगवान को भोग चढ़ाने के लिए बिल्कुल बनता है हर घर में। तो आज हम वही बनाएंगे। चलो फिर चूल्हे के पास चलते। अनारसी के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए है। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप सादे से सिंपल चावल भी ले सकते हैं। ये मोटे चावल लिए मैंने और ये 1 किलो है, 1 केजी। और इसके लिए हम शुगर पाउडर 3 पाव लेंगे, यानी 7.5 ग्राम लेंगे। इसको मैं भिगाने के लिए डाल दूंगी अभी। और इसको ना 3 दिन अच्छे से साफ करके 3 दिनों तक भिगो के रखना, और लेकिन सुबह शाम इसका पानी बदलते रहना, नहीं तो इससे बदबू आती है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से साफ करके 3 दिन और 3 रातें तक, यानी 72 घंटों तक हम इसको भिगो कर रखेंगे। और फिर साफ पानी डालकर इसे और 3 दिनों के लिए इसे हम रख देंगे, लेकिन सुबह शाम इसका पानी बदल देंगे। और फिर इसको छन्नी से अच्छे से छान कर सुखा कर पीस लेंगे हम, फिर हमारे अनारसे का आटा हमें मिल जाएगा। अनारसे बनाने के लिए मैंने लिया है चावल का आटा लिया है, जो 3 दिन पहले ही मैंने पानी में चावल को भिगो कर रखा था। और शाम को इसका पानी बदल देना बिल्कुल, नहीं तो इससे बदबू आ जाती है, अच्छी बात नहीं आती। हर रोज रात को 3 दिन तक हम इसका पानी बदल कर 3रे दिन इसको सूखा अच्छे से धोकर सूखा कर फिर मिक्सर से या चिक्की से पिसवा लाना। और 1 किलो शक्कर चावल के लिए मैंने 3 पाव शुगर पाउडर लिया है, इसको भी मैंने मिक्सी में पीसा है। और ये 750 ग्राम है, आप नाप से मांगेंगे तो। और इसमें हम डालेंगे देसी घी, ये घर के बना प्योर देसी घी है। हम डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल डिश है और हम खास दिवाली पर बना रहे हैं, तो इससे ये बहुत अच्छी बनती है। और इसी से हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा शुगर पाउडर भी मिलाते जाएंगे। यदि इसी में बनाना है, हमें कोई पानी का यूज नहीं करना है इसमें, बस दोनों सब एक साथ मिला दो तो ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। और ये आटा 8 से 10 दिन तक तो खराब भी नहीं होता। आप इतना ज्यादा आटा बनाकर फ्रिज में रखना तो ये आराम से महीनों तक चलता है। जब भी मन करे बस फ्रिज से निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर में लाना और अनारसे बनाकर गर्मा गर्म परोसना बिल्कुल। और ये इसमें नहीं हुआ तो आप 2 से 3 चम्मच बस दूध का इस्तेमाल करेंगे, इसकी जरूरत भी नहीं होती है बिल्कुल, इसी में ये बन जाता है।
अब हम चूल्हे के पास आ चुके हैं। चूल्हा भी अच्छे से जल चुका है और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है फ्राई करने के लिए। हम इसमें ऑयल डालेंगे अभी। फिर ये आटा हमने चावल और शुगर को शक्कर को हमने जो इसको मैंने रात को ही बना लिया था आटा, ताकि ये रात भर भिगो कर अच्छे से सब फूल कर आ जाए। अब हमें इतना इतने के ही बनाएंगे हम। इसको हम फ्रिज में रख देंगे, बाद में बनाएंगे। और इसको अच्छे से मसल मसल कर लेंगे और इसी से हम छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसका फ्राई कर देंगे। और ये मैंने पॉपी सीड्स लिए, इसे खसखस बोलते हैं या पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। इसको हम एक साइड से लगा देंगे और फिर फ्राई करेंगे। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, ऐसे सब पेड़े बना कर रखेंगे, ताकि हमारा ऑयल गर्म होने पर हम इसको फटाफट से फ्राई कर सके एक साथ। आप इसको थोड़ा मोटा या छोटा आपके हिसाब से रख सकते हो। देखो कितने प्यारे बने हमारे अनारस, अभी बिल्कुल आसानी से बन रहे, कहीं से भी इसको क्रैक नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल सही बना है। देखो कहीं से भी नहीं जा रहा है। इसी तरह से हम सब तोड़कर और फिर ऐसे इसको हाथों से चपटा करेंगे और फिर इस पॉपी सीड्स में खसखस में हम इसको एक साइड से बिल्कुल इसी तरह से, देखो कितने प्यारे दिख रहे। और इसको फिर प्रेस करेंगे हम, ताकि वो तेल में जाते ही घुले खुलना जाए, इसीलिए हम फिर उसको प्रेस करेंगे। ये देखो कितना अच्छा बना है। ऐसे ही बनाकर हम सब फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम नहीं हुआ है अभी हमारा, शायद मैं थोड़ा सा चेक करती हूँ हुआ कि नहीं। इसी तरह से हम इसको खसखस लगाकर या पॉपी सीड्स बोलते हैं इसको, इसको हम एक ही साइड से फ्राई करेंगे। इसको पलटी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएगा। बस ऐसे ही इसको ऊपर से हम डाल कर इसको सेक लेंगे अच्छे से। दूसरा भी हम उसी तरह से बनाएंगे, बस उसको ऊपर से प्रेस करना, फिर इसमें डुबा कर फिर इसको भी हम ऐसे ही छोड़ेंगे और इसे बिना पलटी किए ही हम निकाल लेंगे। देखो अच्छे से फूल कर आया है अभी बिल्कुल। बस हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, निकालते ही जाएंगे। और इसको ना कम गैस पर या कम चूल्हे पे ही करना ज़्यादा, नहीं तो ये जल जाते हैं। और इसे बिल्कुल याद रखना है, इसे बिल्कुल भी पलटी नहीं करना है, इसकी ओर से ही इसको फ्राई करना है। देखो कितने प्यारे अनारस बने हमारे, बिल्कुल अच्छे से प्लेटिंग भी कर चुकी हूँ मैं। अभी देखो बहुत क्रिस्पी और क्रंची, इसकी आवाज़ सुनो, देखो कितने क्रंची होते। और ये ज़्यादा दिनों तक खराब भी नहीं होते, बिल्कुल आसानी से जाते। अरे आप भी ज़रूर ट्राई करना यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम फिर मिलेंगे मेरे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।